कांग्रेस का हाफ डे। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस ने आज आधे दिन बंद रखने का ऐलान पहले ही कर दिया था। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसको लेकर मैदान में हैं। कार्यकर्ता सुबह से ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप बंद कराने सड़कों पर निकल पड़े। इसको लेकर जगह जगह विवाद की स्थिति भी बनी। बंद को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं सभी शहरों की, चाहे वो इंदौर हो, सीहोर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगातार महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं बीजेपी इस बंद को फ्लॉप बता रही है। उसका कहना है इसमें छोटे गुमटी वाले और चाय नाश्ता वालों के साथ ऐसे ही व्यवसाय करने वालों को परेशान किया जा रहा है। ये सच है कि बढ़ती हुई महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन कांग्रेस का ये बंद क्या किस तरह असर डालता है? जनता को इससे राहत मिलती है, सरकार सोचने पर विवश होती है, या फिर ये विरोध रस्म अदायगी होगा? वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस मुद्दे पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। आज की बात में चर्चा इसी मुद्दे पर। बंद पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस के छुटभैये नेता और गुंडे गुंडागर्दी करके कोशिश कर रहे हैं कि बाजार बंद हो। दुकानदारों पर इस तरह से दबाव और गुंडागर्दी ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। जनता को लगता है कि महंगाई की आप बात करते हो, फिर बाजार बंद का क्या मतलब? महंगाई के मारे लोगों का दम निकलता जा रहा है, पूरे देश में हाहाकार है, गरीब जीवन यापन करने में असमर्थ हो गया, आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ गया, लूट खसोट जगह जगह बढ़ने लगी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने आधे दिन का कॉल किया है कि बंद करें, और मैं मानता हूँ जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस सबके भाव बढ़ रहे हैं, और उससे फर्क पड़ रहा है, आम आदमी के को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो महंगाई पर कांग्रेस का हाफ डे यानी आधे दिन का विरोध प्रदर्शन। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। चेतन जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, बेबाकी से बात रखने वाले नेता, आपका भी स्वागत करता हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ में हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ब्रजेश जी, मैं आपके पास में आता हूँ। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रेट हों, गैस सिलेंडर के रेट हों, या फिर खाद्य वस्तुओं पर, उसके लेकर आज जिस तरह से कांग्रेस आपकी पार्टी सड़कों पर है और आधे दिन का आपने विरोध रखा है, आखिर ये आधे दिन का विरोध ही क्यों, पूरा दिन क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये राजेश जी कि आज पूरे मध्य प्रदेश में, हम समझते हैं पूरे देश के अंदर, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। डीजल पेट्रोल लगातार 1-20 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। घरेलू उपयोग में आने वाले गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस, केरोसिन तेल, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनी कमलनाथ जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में आज समूचे में प्रदेश के अंदर आधे दिन का बंद रखा गया है। और इसमें किसी तरह की मतलब जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं, वो अन्य चीजें जो ज्वेलरी से जुड़ी हैं, उन्हें बंद नहीं किया गया, बाकी सभी तरीके से मध्य प्रदेश को बंद रखा गया है। इसमें निजी शिक्षण संस्थान, गैस एजेंसी, वाहन, ऑटो रिक्शा, इन सब का संचालन बंद है, पेट्रोल पंप भी बंद है 3 घंटे के लिए। तो हम समझते हैं कि ये सब इसलिए है क्योंकि जिन बातों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हों, अपने सर के ऊपर गैस सिलेंडर लेकर के घूमती थी देश में, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, जो कि विधानसभा में जब कांग्रेस के शासन काल में जब पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बढ़ गया था,
तो इन्होंने साकिल से विधानसभा तक अपनी यात्रा की थी, तो ये सारे लोग क्या अब जब इतनी तेज से महंगाई बढ़ गई कि पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, तो क्या शिवराज सिंह जी बैलगाड़ी से जाएंगे? विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है सोमवार से, इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बंद का आह्वान किया है। और अब आप बताइए, चाय पत्ती के दाम 550 रुपए हो गए, जो पहले 350 रुपए थे, गैस सिलेंडर के दाम 364 थे, वो 900 के पार हो गए। ये सरकार, केंद्र की सरकार, सिर्फ दो तीन पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए आज चलिए पूरे मुल्क। दोबारा आपके पास में आता हूँ, चेतन सिंह जी के पास में आता हूँ, जो सवाल कांग्रेस के हैं आपके हैं। चेतन जी, क्या जवाब है? कांग्रेस आज सड़कों पर है और ये सच है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए राजेश जी, जो आपने विषय लिया इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर क्यों है, ये तो अपने वजूद की लड़ाई, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दृष्टि से। अगर कांग्रेस का हाथ जनता के साथ होता तो वो कांग्रेस जो कहती थी कि इस हिंदुस्तान से हम गरीबी खत्म कर देंगे, आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस नारे पर अपनी सरकार बनाई और चलाई भी, तो ये गरीबों के दो वक्त के रोटी के निवाले की कभी इन्होंने चिंता नहीं की। अगर इस भारत की भूमि पर किसानों के गांव की चिंता की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए। सड़कें देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। मध्यान्ह भोजन का काम अगर प्रारंभ हुआ तो मेरी ही सरकार में हुआ। मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, जिस जो विषय है उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले जरा बता तो दूं कि कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे में अंतर कितना है। बिना किसी ब्याज के अगर किसानों को ऋण मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड होगा, तो ये हमारी सरकार ने पहल की। अगर 1 रुपए किलो का गेहूं चावल अगर मिलेगा तो ये मेरी सरकार ने इस बात की हिमाकत की। जिस मध्य प्रदेश में मैं बैठा हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सन 1999 में नगर निगम भोपाल का पार्षद हुआ करता था, और किसी का गरीबी रेखा में अगर नाम सम्मिलित नहीं होता था तो कहते थे कि साल भर के बाद फिर से सर्वे होगा। आप बताइए, किसी को इलाज करना चेतन जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगा। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री का एक बयान है जो उन्होंने पहले दिया था, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। चेतन जी बाइट सुनाइए। कांग्रेस की हालत भी मौसम जैसी हो गई है। अब आज समझ में नहीं आ रहा, छाता लगाए, कोट पहने या पंखा चलाए, कमोबेश कांग्रेस की हालत भी ऐसी है, उसे समझ नहीं आ रहा। ट्वीट करें, आधे दिन का बंद कराएं, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, या उम्र हो गई है तो आराम फरमाएं। चलिए चेतन जी अपनी बात रखिए, फिर खिलावन जी के पास में आऊंगा मैं। देखिए अभी मेरे मित्र ब्रजेश जी कह रहे थे कि चाय पत्ती 550 रुपए किलो की। मैं ब्रजेश जी बहुत जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि 550 रुपए की चाय पत्ती क्यों लेते हो? आज भी भोपाल शहर में 300 रुपए से लेकर के 350 रुपए किलो की बहुत अच्छी चाय पत्ती है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो अपन सब लोग मिलकर के चलते हैं, और आप भी अपनी आंखों से देखिएगा, कानों से सुनिएगा, तब भरोसा करिएगा। लेकिन चेतन जी को लेकर वाजिब सवाल है, वो जो वाजिब सवाल है वो इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, या फिर जिस तरह के उदाहरण ब्रजेश जी ने दिए, चाहे गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने के बाद स्मृति ईरानी का विरोध हो, या फिर मध्य प्रदेश में पेट्रोल के रेट बढ़ने के बाद बीजेपी का विरोध हो, आपको नहीं लगता कि महंगाई कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच रही है? और किस तरह से इसकी लगाम लगेगी? इस दिशा में कुछ लग नहीं रहा है कि इसको कहीं ना कहीं किस हद तक रोका जाएगा? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करने के सारे प्रयत्न भी हो रहे हैं, सरकार हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि विगत 11 महीने से इस देश की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार का रेवेन्यू आना था वो रेवेन्यू आया भी नहीं। अनेक मदें, हालांकि इतना समय नहीं है कि मैं सब पर बात करूं, लेकिन अनेक मदें जिन मदों से हमको कहीं 50,000-60,000 करोड़ रुपया आना था, 4,000-5,000 करोड़ रुपए का टैक्स का कलेक्शन आया है। लेकिन देश की जनता को रियायत, हमने कहीं कोई कटौती नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं से टैक्स लेकर के आखिर विकास के काम भी करने हैं, इस कोविड की लड़ाई को भी लड़ना है, लोगों को रोजगार भी देना है, किसानों को सम्मान राशि भी देनी है, लोगों का इलाज भी करना है, 130 करोड़ लोगों को इस देश में चलायमान भी रखना है।
कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां होती हैं, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। चलिए, और हम इस बात को ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जैसे जैसे संक्रमण का दौर निकल रहा है, इस बात पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ मंथन कर रही है, और आने वाले समय में जिस चीज की बात आप कर रहे हैं, हम इस पर फिर से बात करेंगे कि कैसे महंगाई की दर कम भी हो। चलिए, खिलावन चंद्राकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। खिलावन जी, कांग्रेस आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है, हालांकि चेतन जी भी मान रहे हैं कि महंगाई कहीं ना कहीं चिंता का सबब लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच जिस तरह से कांग्रेस का ये प्रदर्शन विरोध कितना असर डालेगा सरकार पर और इससे कितनी जनता को राहत मिलेगी, ये भी बड़ा एक सवाल है, क्या कहेंगे? अजय जी, मुझे लगता है जो प्रोटेस्ट है, जी, प्रोटेस्ट विपक्ष या कोई दूसरे संगठन के द्वारा किया जाता है, उससे सरकार बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है पिछले कई वर्षों से। जी, तो मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट से कोई सरकार पर अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास जरूर कर रही है इस माध्यम से, इस बंद के माध्यम से, और मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा आम लोगों को प्रभावित करने वाली है और प्रभावित कर भी रही है, जी, चाहे वो पेट्रोल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, डीजल का मुद्दा हो, चाहे वो आज आप देखिए महंगाई वास्तव में चरम सीमा पर है, जी, वहाँ भरत जी बैठे हैं, ब्रजेश जी बैठे हैं, भरत जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि 80 रुपया लीटर या 80 रुपये किलो मिलने वाला तेल आज 135 रुपये 140 रुपये किलो बिक रहा है, जो आज से 4 महीने 6 महीने पहले जो पेट्रोल और डीजल 80 रुपया 85 रुपया में बिक रहा था, आज वो 100 के लगभग 100 के आसपास आ चुकी है। प्रीमियम की बात नहीं करते, मैं साधारण पेट्रोल की बात करूँ, और अन्य जो जीवन बड़ा मुद्दा को पकड़ा है और इससे जो लेकिन 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 खिलावन जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। दो चीजें आपने काफी अहम कही है कि एक तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी ज़मीन भी देखना है, और आपने कहा है कि एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ा है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लेकर जो एक चीज़ कही जाती है, एक तो किसी मुद्दे पर देरी से आते हैं, और दूसरा एक जो कंटिन्यूटी उसमें होना चाहिए, लगातार उस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए, वो नहीं होता, सवाल इस बात को लेकर खड़े हो जाते हैं कि चलिए आज जैसे आप हाफ डे कर रहे हैं, आधे दिन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या महंगाई निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रही है और ये चिंता का सबब है, खासतौर पर जो मध्यम वर्ग है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे में कंटिन्यूटी बढ़ी रहे, इसको लगातार इस पर आगे बढ़ा जाए, ये होता नहीं है। जी खिलावन जी, निश्चित रूप से नहीं होता राजेश जी, सरकार को इस पाप मामले में बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, बहुत जरूरत है इस बात की। मैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट का समर्थक हूं ऐसा नहीं है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, एक आम आदमी को चुभने वाला, आम आदमी को छूने वाला, आम आदमी की परेशानी का मुद्दा उठाया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, या और जीवन के जो आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, सभी चीजों के भाव जो बढ़ रहे हैं, उस पर बहुत गंभीरता से कोई ना कोई प्रयास करके नियंत्रण करना चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार को कोई नियम कानून बनाया जाए। चलिए, मैं खिलावन जी दोबारा आपके पास में आता हूँ, ब्रजेश पांडे, चूंकि कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है, कांग्रेस जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है, ब्रजेश जी काफी अहम बात खिलावन चंद्राकर जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नो डाउट, इसमें किसी को शक नहीं, क्योंकि जनता इससे परेशान है, बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन जो सवाल मैंने खिलावन जी से किया था वही सवाल आप पर है, हालांकि हो सकता हो कुछ मजबूरियां आपकी जवाब देने में इसको लेकर रहे, लेकिन सवाल सीधा सीधा यही है कि कांग्रेस क्यों किसी मुद्दे को उठाने में देर कर देती है, और फिर जिस तरह से उसको लगातार आगे बढ़ना है वो बढ़ती नहीं है, ये भी सवाल उठते हैं कि आज जिस तरह से हाफ डे कर रहे हैं आप विरोध प्रदर्शन का, और इसको जो एक लगातार आगे जाना चाहिए वो नहीं होता, क्या कहेंगे इसके पीछे वजह? देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट बात जी, आज देश का गरीब तबका, आज देश का मध्यम परिवार,
उसको अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। पिछले 3 माह का आप ग्राफ उठाकर देख लें तो जहां रसोई गैस के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई, वहीं 1 अक्टूबर को 600 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 775 रुपए से अधिक का हो गया। 1 जून 2020 को पेट्रोल का दाम 70.56 पैसे था और आज 21 तारीख में पेट्रोल 100.05 रुपए हो गया। इसी तरह डीजल 1 जून 2020 में 68.27 पैसे था जो आज 88 रुपए लीटर हो चुका है। तो पिछले 8 माह में जो 21 रुपए की करीब गुणात्मक रूप से बढ़ोतरी हुई है, इससे हर व्यक्ति समाज का प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है राजेश जी कि सरकार ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत को वृद्ध कर ही दिया है। सरकार ने अब तक कोई देश के सामने ऐसा मास्टर प्लान नहीं लाया है जो ये बता सके कि आखिर ये आम जनता जो है वो अपने बजट को किस तरह से कंट्रोल करे, क्योंकि आज न तो व्यापारी खुश है न नागरिक खुश है। व्यापारी भी जीएसटी के लगातार वृद्धि से परेशान है। जब 100 रुपए का पेट्रोल, 800 रुपए का गैस सिलेंडर, 990 रुपए का डीजल मिलेगा तो इस देश का भविष्य और इस देश का उत्तरोत्तर वृद्धि न सिर्फ रुकेगी बल्कि मध्य प्रदेश जो प्रगति के सोपान पे आगे चल रहा था उसके विकास में भी अवरुद्धता आएगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आपने बहुत अच्छी बात उठाई राजेश जी और अभी चंद्राकर जी ने भी इस बात को कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो 20-21 रुपए की वृद्धि हो गई उसको लेकर के आज आधे दिन का आह्वान किया है। आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस तरह का पूरे दिन का आह्वान भी होगा और पूरे प्रदेश के अंदर समाज के अंतिम छोर तक इस बात की अलग जगाई जाएगी, ग्रामीण अंचल तक, पंचायत, पंच, सरपंच, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर तक, कि आखिर क्यों आज देश में इस बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। जब देश में कुड़ैल की कीमत कम हो गई है, मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, जब देश के पास रेवेन्यू आ रहा है जीएसटी में 33,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, उसके बाद भी आपने कमर तोड़ महंगाई बढ़ा दिया है, आखिर आप इस देश को के अंदर मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस बात को लेकर ही आज कांग्रेस पार्टी ने आधे दिन का आह्वान किया है। और आप देखिएगा क्या अभी चंद्राकर जी ने कहा, हम बिल्कुल उनकी बात से सहमत है। आज इसी क्रमशः हम लोग जल्दी जल्दी इन सारी बिंदुओं को लेकर के किसान आंदोलन को देखिए, आज किसान आंदोलन को 90 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन देश के प्रधान कुर्सी में बैठे व्यक्ति कान में जू तक नहीं देख रही है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी देश क्या क्या ब्रजेश जी क्या ब्रजेश जी इसके जरिए जो कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं कि तमाम सारे जो नेता हैं अलग अलग दिखते हैं, क्या इसके जरिए वो भी एक होंगे? क्योंकि आगामी समय में आपको निकाय चुनाव में भी जाना है, आपको विधानसभा चुनाव 2023 का, और जो स्थितियां परिस्थितियां बनी और उसके चलते कांग्रेस की सरकार गिरी, क्या एक ये भी मौका कांग्रेस के पास में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की एकजुटता का भाव है ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नहीं की तरह नहीं किसके यहाँ 473 उपनिवेशक संगठन कार्य करते हैं। इनके यहाँ भी सिंधु परिषद का अपना एजेंडा है, बजरंग दल का अपना है, और बहुत सारे संगठन जो नीचे काम करते हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक और एक केवल सर्वोच्च नेता है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी। उनके कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में पूरी प्रदेश की इकाई, पूरी जिले की इकाई, पूरे संभाग की इकाई निरंतर रूप से कार्य करती है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल में और आप सभी के विद्वान एंकर के माध्यम से कि आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में इन सारे बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। और आप देखिएगा निकाय चुनाव में परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि आज देश का आम वोटर, आम मतदाता किन चीजों से चलिए चलिए ब्रजेश जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ, तीसरी बार मैं आपके पास में आता हूँ। खिलावन जी हमारे साथ में है। खिलावन जी, जिस तरह से चेतन जी हमसे जुड़े हुए थे और उन्होंने हवाला दिया, मैं लगातार कोरोना 11 महीने से ज़्यादा का वक्त, एक साल लगभग हो गया है कोरोना के चलते, और जो तमाम सेक्टर इससे प्रभावित हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इसका असर इस रूप में दिख रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी और जो जनता है उसको और भी महंगाई झेलना पड़ सकती है, क्या ये भी एक वजह इसकी माना जाए? देखिए, महंगाई बढ़ने के बहुत सारे वजहों में से एक कोरोना भी हो सकता है। कोरोना के संक्रमण काल के समय निश्चित रूप से
कई जिनसों की जो को इकट्ठा करने की बात सब व्यापारियों ने की है, और अब जब सामान्य हो गया है तो वो गोदामों के माल बाहर आ रहे हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि कोरोना काल के कारण ही महंगाई बढ़ा है, बहुत सारे कारण हैं, और सरकार को चाहिए कि जिन कारणों से महंगाई में वृद्धि हुई है, जिन कारणों से आज घर का बजट, लोगों का बजट गड़बड़ाया है, उन कारणों को दूर करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है आप की और हमारी, हम तो और आप तो सरकार को चेता सकते हैं, बता सकते हैं, वस्तु स्थिति से अवगत करा सकते हैं, लेकिन करना तो सरकार को ही है। चलिए, महंगाई से निपटने के लिए हमें अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही है जी। कई परिवार है जो बजट में कटौती करते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि सरकार बहुत गंभीरता से इस बात को सोचे, कांग्रेस के प्रोटेस्ट से सरकार प्रभावित हो जाएगी, मैं नहीं मानते इस बात को। और ये आंदोलन प्रदेश व्यापी है, राष्ट्रव्यापी भी नहीं है, अभी का जो आज का आंदोलन है जो कांग्रेस कर रही है, आधे दिन का बंद रखी है, वो कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी नहीं है। तो मुझे लगता है और महंगाई कम करने के लिए हम कहें कि प्रदेश सरकार भी बहुत कारगर कदम उठा पाएगी, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार सक्षम है, लेकिन अल्टीमेटली जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही करना है। तो मुझे लगता है कि हम इधर की बातें उधर की बातें, कांग्रेस अपनी बात कहे, भाजपा अपनी बात कहे, लोग अपनी बात कहे, इस पर नहीं जाते। वास्तविक जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, वो उस पर विचार करना चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम सरकार को कई ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे महंगाई पर नियंत्रण हो सके। चलिए खिलावन जी, आप जुड़े रहिए, आप हमसे जुड़े रखिए खिलावन जी। चेतन सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। चेतन जी क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं चिंता तो साफ इसको लेकर, आगामी समय में निकाय चुनाव भी हैं, फिर 2023 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी आपको जाना है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इनका ये प्रदर्शन फ्लॉप है, क्या जनता का साथ इनको नहीं मिल रहा? जनता जिस तरह से लगातार महंगाई को लेकर कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बंद के आह्वान को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है नहीं, संगठन है नहीं। मैं देश की बात नहीं करता, मैं तो मध्य प्रदेश में कहता हूँ। आज इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको ये पार्टी का अध्यक्ष बना सके। अब ये कहने को कह सकते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष भी ठीक चल रहे, मुख्यमंत्री भी ठीक चल रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष भी ठीक थे, और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री दोनों ठीक थे तो प्रदेश में सरकार लड़खड़ा करके अपने पांव से गिर गई, तो ये सबके सामने प्रश्न है ना। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस महंगाई को लेकर के बात करे, कांग्रेस आखिर इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश से महंगाई हटाएंगे, गरीबी भगाएंगे का जो नारा दिया था, हिंदुस्तान में लगातार गरीबी रेखा की दर क्यों बढ़ती जा रही है? हम तो सरकार में अभी आए ना, लेकिन हमारी सरकार में आने के बाद जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, क्या कांग्रेस की सरकार ने कभी किसी को 5 रुपए का इलाज का खर्च उठाया? हमारी सरकार है, हिम्मत है, कोरोना के संक्रमण के काल में भी हमने हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम किया, सम्मान राशि देने का काम निरंतर मेरी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश किस तरह की फाइनेंशियल स्थिति, कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़ करके गए थे उसके बाद भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार 4,000 रुपए की सम्मान राशि किसानों को प्रदान कर रहे हैं, हमने कोई कटौती नहीं की। मैं फिर से कहूंगा, अगर विकास करना है, विकास के कामों को निरंतरता देनी है, तो मुझको लगता है इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं हमको किसी ना किसी चीज पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। सुरक्षा के मामले हैं, सुरक्षा के सारे देश की भी सुरक्षा के मामले हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के बात नहीं कर रहे, अरे भैया क्या देश को बेचने वालों के लोगों के साथ सरकार घुटने टेक दे क्या? क्या देश को अंधा करके देखने वाले लोगों के साथ सरकार भी कह दे हम भी अंधे हो गए, आ जाए हम भी उसी में गिर जाते हैं? अभी तो बहुत सारी परतें खुलने वाली हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलगाववादियों का साथ दिया है, ये टूल किट के मामले में क्या है अभी देखते जाइए आप। विचारों के साथ कांग्रेस, लेकिन मानसिकता का कोई इलाज नहीं हो सकता अलगाववादियों के साथ। हम ठीक है, मैंने कहा ना राजेश जी, महंगाई है जी, आने वाले समय में इसको हम कम करेंगे। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार का मुखिया हो, कोई नहीं चाहता कि उसके प्रदेश और देश में महंगाई बढ़े। कभी कांग्रेस के नेताओं से तो पूछिए कि राजस्थान में तुम्हारी सरकार है,
महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, इन तीन राज्यों में तुम्हारी सरकार ने डीजल पेट्रोल गैस पे दाम कम करने के लिए अपने टैक्सों में कहीं कटौती की है? नहीं, लेकिन 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 चेतन जी, सवाल तो एमपी में भी है, सवाल तो होगा ना चेतन जी, सवाल तो एमपी में भी है कि सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल पर टैक्स वसूला जा रहा है, चाहे वैट की बात कर लें, चाहे एडिशनल ड्यूटी की बात कर लें, हम सेस की बात कर लें। हम तो बात ही राय जी, हम तो जवाब उसी चीज का दे रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ाई है जी। हम ये नहीं कह रहे कि पेट्रोल डीजल गैस के दाम नहीं बढ़े जी, हम ये नहीं कह रहे कि इसको हमने कोई खुशी खुशी में बढ़ाया है जी। निश्चित रूप से कुछ बातों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, देश की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं, लेकिन हम इस बात को भी कहते हैं, जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं, उसके लिए भी हमको कदम उठाने पड़े। देश की सीमाओं पर जिस प्रकार से चाइना का अतिक्रमण होने की संभावना जो थी, आज चाइना के लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को क्या बोलते, हमारे भारत की सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का निरंतर प्रयास करने वाले, आज सैटेलाइट की तस्वीरें, नासा की तस्वीरें बता रही ना, जो हम कहते थे। चलिए हम चलिए कह रहे हैं कर जी, जी बोलिए। लेकिन हमारे एक चीज आप लोग, अरे ये तो कांग्रेस की उस मक्खी की तरह दृष्टि है कि मनुष्य के सारे शरीर पे कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन कहीं अगर फोड़े फुंसी है या कहीं थोड़ा बहुत कटा हुआ तो जाकर के वहीं टंच करेगी और वहीं पर घाव करने की कोशिश करती है। तो देश में जो कांग्रेस है इसको 99 अच्छी चीजें नहीं दिखती हैं। और शहर पे आज देखिए ना आप, ये जो सच बता रहा हूं, जो सड़क छाप मजनू जिनको बोलते हैं ना, इस तरह के लोगों को लेकर के चलिए क्षेत्र में ब्रजेश जी के पास में आता हूं, जो तमाम तरह की बातें चेतन जी कह रहे हैं, ब्रजेश जी क्या कहेंगे? ब्रजेश जी बंद को फ्लॉप बता रही है बीजेपी या फिर जो चेतन जी कह रहे हैं, जवाब देखिए। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे, आप देखिए मोदी जी के दूसरे कार्यकाल और शिवराज सिंह जी के कोरोना काल के घनघोर संकट के समय सत्ता की लालच, सत्ता की कुर्सी की लालच के लिए लोकतंत्र का कत्ल करके बनाई गई सरकार का चेहरा पूरी तरह से खंड खंड होकर साफ सामने जनता के बीच आ चुका है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे, शायद ये भूल जाते हैं कि विकास एक सत प्रक्रिया की तरह होती है, जब इस देश में एक सुई नहीं बनती। लेकिन लेकिन ब्रजेश जी बिल्कुल आप बात रखिए जारी अपनी, लेकिन एक सवाल मेरा बीच में आता है, अपनी बात कर लो, ये पूरे समय ले लिया, मैं बोल नहीं पाया। नहीं, मैं ब्रजेश जी आप जवाब दीजिए, पूरा समय आपको मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल उस पर एडिशनल ये है कि जब अगर 2018 विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो आपने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करेंगे, लेकिन आपने टैक्स कम नहीं किया, बढ़ा दिया। आप पर भी बीजेपी सवाल खड़े करती है कि जब यूपीए की सरकार थी तब उसमें महंगाई बढ़ी, उसमें आपने कुछ नहीं किया, और ये महंगाई जो बढ़ी है वो कोरोना के चलते बढ़ी है। आपका जवाब अपना जारी रखिए। देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट बात है, यूपीए सरकार के समय इस देश के अंदर जो था वो डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे, और वर्तमान सरकार के अंदर डीजल पेट्रोल के दाम क्या है, इसके बारे में मैंने अभी आपको उसका पूरा डिटेल बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी, तब इंदिरा जी ने देश के अंदर परमाणु विस्फोट करा करके और पाकिस्तान को दो भागों में, इंदिरा जी की बात कर रहे थे हमारे मित्र, दो भागों में विभक्त करा करके पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जैसा कि भारत किसी भी मसले पे पीछे नहीं। दूसरी बात ये कि आपको ध्यान होगा, ये लोग एक स्लोगन दिया करते थे कि महंगाई डाइन खाए जाते, तब इनको ये महंगाई लगती थी जब 35-36 रुपए का पेट्रोल मिलता था, और आज जब सैकड़ा पार कर चुका है तब ये अभी इनका नारा हो गया है कि महंगाई, अब क्या ये महंगाई इनके लिए डाइन की जगह मौसी बन गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बात को लेकर के दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और कहते थे कि हम और लाला रामदेव जी मिल करके देश के अंदर पेट्रोल का दाम जो है वो 30 रुपए से कम कर देंगे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हम दो, हमारे दो के नीति और सिद्धांत और रीति पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश के कॉमन मैन की वास्तव में कोई चिंता नहीं। कुछ बातें हमारे मित्र ने स्वीकार किया कि वास्तव में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, आज देखिए बंद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आए, मैं खुद सुबह से बंद कराने के लिए निकला था, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने से दुकानें, कार्यकर्ता जो जुड़े हैं उस पार्टी से, वो दुकानें अपने से बंद कर रहे थे और कह रहे साहब हम लोगों को इसको झेलना पड़ता है, जीएसटी की मार अलग झेल रहे हैं, महंगाई की मार अलग झेल रहे हैं, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे, उनके पास पैसा नहीं है,
सरकार ने इकोनॉमी का जो ग्राफ तय किया है, जो वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश किया है, उसके बाद पैसा नहीं आ रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ग्राहक कैसे आएंगे मेरे पास? चेतन जी कुछ कह रहे हैं, आप लोग के अंदर चेतन जी कुछ कह रहे हैं आपके ही बात को लेकर, चेतन जी की बात सुन लेते हैं। चेतन जी की सरकार कह रहे हैं कि सबसे खराब सरकार, आप ज्यादा परेशान मत हो। अभी आपने नगरीय निकाय चुनाव की बात की है ना, नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आपको बता देंगे कि जनता किसके साथ है। देश तो आपको बता दिया था, पंजाब दूषित वातावरण, पंजाब में बता दिया चेतन जी, सुपड़ा साफ कर दिया भाजपा जनता ने। और अभी आप देखिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के निकाय के चुनाव में आपको फिर से हर जगह सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी हो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी हो, आप इन तीनों को मात नहीं दे पाओगे। आप मान करके चलिए कांग्रेस की कथने करने आज आपने पुलिस के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार लाठीचार्ज करा करके पुलिसिया व्यवस्था को लेकर के सरकारी तंत्र को लेकर के बंद को सफल बंद को असफल करने का जो प्रयास किया है, जनता ने इसको भी अपने दीवार में जो है वो टिकट लगा लिया है। जनता भी देख रही है कि जब पार्टी पूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रदेश के अंदर बंद का आवाज रखी है, सवाल तमाम तरह के हैं, उसका जवाब इस तरह जनता के सामने तो देना ही होगा। लेकिन ये सही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस इसको प्रोटेस्ट कर रही है। आज इसका आधे दिन का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी, खिलावन चंद्राकर जी और ब्रजेश पांडे साहब, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर महंगाई पर कांग्रेस का जो हाफ डे है, आधे दिन का विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर सियासत राजनीति भी है, लेकिन इन सब के बीच जो जनता बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, आखिर उससे कब निजात मिलेगा, ये बड़ा सवाल। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।